माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष महोदया, नमस्कार सभी को। मैं किंजल बाबू आज के इस मॉक पार्लियामेंट में स्पीकर की भूमिका निभा रही हूँ। नमस्कार, मैं राजीव कटकिया आज के इस मॉक पार्लियामेंट में मार्शल की भूमिका निभा रहा हूँ। नमस्कार, मैं राजीव कटकिया आज इस मॉक पार्लियामेंट में मार्शल्स की भूमिका निभा रहा हूँ। नमस्कार, मैं हार्दिक निमावत आज के इस मॉक पार्लियामेंट में सेक्रेटरी स्टाफ की भूमिका निभा रही हूँ। नमस्कार, मैं अटल जामू की आज के इस मॉक पार्लियामेंट में सेक्रेटरी स्टाफ की भूमिका निभा रही हूँ। नमस्कार, मैं रिंकू मेटल आज के इस मॉक पार्लियामेंट में सेक्रेटरी स्टाफ की भूमिका निभा रही हूँ। नमस्कार, मैं स्नेहा सरवाली आज के इस मॉक पार्लियामेंट में सेक्रेटरियल स्टाफ की भूमिका निभा रही हूँ। नमस्कार, मैं ध्वनि अरोड़िया आज के मॉक पार्लियामेंट में महिला एवं बाल विकास मंत्री की भूमिका निभा रही हूँ। नमस्कार, मैं पार्थ सादरिया आज के इस मॉक पार्लियामेंट में मानव संसाधन मंत्री की भूमिका निभा रहा हूँ। नमस्कार, मैं प्रणव गामी आज के इस मॉक पार्लियामेंट में रेलवे मंत्री की भूमिका निभा रहा हूँ। नमस्कार, मैं अंजलि राठौर आज की इस मॉक पार्लियामेंट में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रही हूँ। नमस्कार, मैं आयुष पचासरा आज के इस मॉक पार्लियामेंट में सांसद की भूमिका निभा रहा हूँ। नमस्कार, मैं अमित वर्मा आज के इस मॉक पार्लियामेंट में सांसद की भूमिका निभा रहा हूँ। नमस्कार, मैं निशित वर्मा आज के इस मॉक पार्लियामेंट में सांसद की भूमिका निभा रहा हूँ। नमस्कार, मैं विश्वनाथ गर्गी आज इस मॉक पार्लियामेंट में सांसद की भूमिका निभा रहा हूँ। नमस्कार, मैं यशर राणा आज इस मॉक पार्लियामेंट में सांसद की भूमिका निभा रहा हूँ। नमस्कार, मैं जयलत झल्ला आज इस मॉक पार्लियामेंट में सांसद की भूमिका निभा रहा हूँ। माननीय गृह मंत्री जी से सवाल पूछना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले जो
सीएबी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पारित हुआ है। इसमें मुस्लिम या इस्लाम धर्म को छोड़कर सभी धर्मों के लोगों को नागरिकता दी गई। इसमें मुस्लिम धर्म के लोगों के साथ भेदभाव क्यों किया गया? इससे भारतीय मुस्लिम लोगों में भय और आक्रोश का माहौल पैदा हो गया है। इस पर हमसे स्पष्टता करें और इस भेदभाव की वजह बताइए। माननीय स्पीकर महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी सांसदों तथा देश के नागरिकों को बताना चाहता हूँ कि कैद से भारत के किसी भी मुस्लिम को डरने की जरूरत नहीं है। इससे आपको कोई नुकसान नहीं है तथा आपकी नागरिकता को कोई भी खतरा नहीं है। कोई आपकी नागरिकता को छीन नहीं सकता। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। और जो मुस्लिमों को नागरिकता नहीं दी गई वे मुसलमान पाकिस्तान बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान में मेजोरिटी में थे। उन पर कोई भी धार्मिक अत्याचार नहीं हो रहा था और जिस धर्मों के लोगों के साथ धार्मिक अत्याचार हो रहा था जैसे हिंदू सिख ईसाई बौद्ध जैन और पारसी धर्मों के लोग जो भारत आए थे शरण लेने के लिए सिर्फ उन्हें नागरिकता दी गई है। इससे हमारे देश के मुस्लिमों को डरने